नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, ये वीडियो हमारी स्पिरिचुअलिटी सीरीज है और हमारा टॉपिक है कर्मों के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, किसी भी बीमारी के पीछे कौन से कर्म होते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, अपनी तकलीफ़ लिखते हैं मेल में या मैसेज में, फ़ोन पर बताते हैं कि ये तकलीफ़ हो रही है जीवन में, ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया था। मोस्ट ऑफ द टाइम उनके जो मेल्स होती हैं वो ब्लेम से भरी होती हैं। उस व्यक्ति के कारण मुझे दुख हो रहा है, उस व्यक्ति के कारण मुझे पीड़ा हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो हमने इनके पीछे जो एनालिसिस किया, अपने खुद के कार्मिक अकाउंट मैंने चेक किए और मेरे साथ जो और मेरे क्लाइंट आते हैं उनके कार्मिक अकाउंट चेक किए, और भगवान शिव यानी कि जो स्पिरिट गाइड हैं उनसे भी कनेक्ट करके हमने बहुत सारी चीज़ों का कारण जाना। तो वो ही सभी कारण मैं आपको लिस्ट कर रहा हूँ। ये इसका पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट आगे आएगा। तो यहाँ पर आप अपने कर्मों के खुद से भी अपने बारे में पता लगा सकते हैं अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा कर। अगर आप नहीं करवा पाएँ तो हम अपने किसी पर्सन को पास्ट लाइफ में ले जाकर या स्पिरिट गाइड से गाइडेंस लेके आपको बता सकते हैं। लेकिन इसका एक प्रोसेस होता है, उसके लिए आपको हमें ईमेल में डिटेल में अपने वो पॉइंट बताने पड़ेंगे। और ये एक पेड सर्विस है, मैं माफी चाहता हूं, मैं हर चीज फ्री नहीं कर सकता क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। एक एक पर्सन के कार्मिक अकाउंट के पीछे में जाने में हमें बड़ी मेहनत लगती है। तो इसके लिए जो है आप अपनी प्रॉब्लम लिख कर दीजिए, अपने नाम और फोटो और मोबाइल नंबर लिख कर भेजेंगे तो वो आपको बता दिया जाएगा कि कौन से कर्म के कारण आपको ये सजा मिल रही है। अगर नॉर्मली आप समझ सकते हैं तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में लिस्ट डाउन करके बता रहा हूँ। आप समझने का प्रयास कीजिए तो आपको बेसिकली सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कर्मों के कारण होने वाली बीमारियाँ, कर्मों को आप अच्छे से जानते हैं, मन वचन और कर्म से की गई कोई भी हिंसा, कोई भी कर्म हमारी कर्मों की कैटेगरी में आता है। वो अब किया जाए या आज उसकी सज़ा मिले या अगले जन्म में मिले या 10 जन्म बाद मिले या 50 जन्म बाद मिले, सज़ा जरूर मिलती है। यही एक यूनिवर्सल लॉ है। कर्मों के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं ये हम आपको बताते हैं। जो दूसरों का अपमान करता है, वायदा तोड़ता है, ऐसे इंसान के साथ क्या होता है। नॉर्मली जितना आपने अपमान किया था, जिसका किया था, क्योंकि हम सभी इमोशनल लोग हैं, जिसका आप अपमान करते हैं वो पर्सन उस समय हमारी बात को सहता है, जितनी पीड़ा वो झेलता है बिल्कुल वैसी ही, लगभग वैसी ही बातें, वैसी ही पीड़ा हमें झेलनी पड़ती है। ये एक अटल सिद्धांत है और इससे किसी को भी माफी नहीं है। संसार में कोई अवतार भी आते हैं, संत भी आते हैं, वो भी कर्मों के इस नियम से बंधे हुए होते हैं जब तक वो इस शरीर में होते हैं। तो आप जरा केयरफुली सुनेंगे, दूसरों को बड़ी निराशा अगर कोई देता है, उसकी संपत्ति से वंचित रखता है, दूसरों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करता है, इनमें से कोई भी कर्म किया होता है तो किस टाइप की सजा होती है? मानसिक पीड़ा और दर्द झेलना पड़ता है, अपमान सहना पड़ता है, संपत्ति से वंचित होना पड़ता है और सार्वजनिक अपमान सहना पड़ता है, पब्लिक इंसल्ट होती है। तो अगर आपके जीवन में ऐसी कोई तकलीफ हो रही है तो यकीन मानिए किसी व्यक्ति पर ब्लेम मत कीजिए कि ये इस व्यक्ति ने मेरा सरेआम अपमान किया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। नॉर्मली लोगों की ये रिएक्शन होती है, या उस ये सरकार ने मेरे साथ ऐसा किया, या फलाने ने मेरा पैसा मार लिया, या मुझे मेरे संपत्ति से मुझे वंचित कर दिया। ऐसी कोई भी चीज़ के लिए आप इस समय बहुत गुस्से में हो सकते हैं, आपको बहुत पीड़ा हो सकती है, हमने माना इस बात को, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे कार्मिक प्रिंसिपल काम कर रहा है। आप जरूरी नहीं है कि हर चीज़ जो आपके साथ हो रही हो वो इसी जन्म में फ्रेश हो रही हो, वो पहले से हो सकती है, और हर बात पहले की हो ये भी जरूरी नहीं है, कोई नई शुरुआत भी हो सकती है। मकसद क्या है, आप अपने लेवल पर अपने आप को जरूर चेक कीजिए कि आप सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं, ऐसा ही तो नहीं है कि सिर्फ व्यक्ति पर ब्लेम कर रहे हैं, अपने पास्ट लाइफ भी जाकर चेक कीजिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में पास्ट कार्मिक जरूर होते हैं, जरूर, ये मेरा अपना अच्छे से अनुभव किया हुआ है। क्योंकि लोग कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं इस जीवन में, तो मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग यही कहते हैं, मैंने तो इस जीवन में कुछ भी नहीं किया हुआ, मैं बिल्कुल सच्चा हूं, मैं बिल्कुल सीधा हूं, हमने माना। लेकिन जो पहले कर्म कर रखे हैं वो कितने भी पुराने क्यों ना हो जाएं, उनका फल अभी भी पेंडिंग है, वो आपको हमें भुगतना पड़ता है, सबको भुगतना पड़ता है। सो इसके लिए बी केयरफुल,
मैंने मुझे बहुत अच्छे से एक केस याद है, हमारे किसी पार्टनर को एक बहुत बड़े पब्लिक इंसल्ट से गुजरना पड़ा, बहुत बड़े लेवल पर अपमान हुआ, कोर्ट कचहरियों के चक्कर हुए, बहुत दुख झेलना पड़ा, पैसे की बड़ी लेवल की जो है ना गबन का आरोप लगाया गया और बहुत कुछ सहना पड़ा। पीछे जाकर जब हम लोगों ने चेक करके देखा तो इस व्यक्ति ने किसी किसी पर्सन का अपमान किया था, पब्लिकली चौराहे पर खड़े होकर उसको गालियां दी थी, उसका अपमान किया था। अब उसका कसूर था, कुछ हद तक कसूर था या कुछ हद तक बना दिया गया था, माने जो कुछ भी किया गया, आज हमने इस बार हमने वो पाया, लगभग उसी ढंग से, लगभग उन्हीं शब्दों से इस बंदे ने उनको प्रताड़ित किया। क्योंकि वो जो आप उसके दिल की सहकर देखे, जब आपको कोई प्रताड़ित करता है तो सामने वाले के शब्द आपके दिल पर लिखे जाते हैं, और हम लोग सेंसिटिव लोग हैं, हम लोग हर बात को अपने दिल की गहराइयों से लेते हैं। तो कोई अपमान करता है तो ऐसे ही आप उसे इग्नोर नहीं कर देते, आप उसके बारे में कई कई दिन तक सोचते रहते हो। तो जिस मानसिक पीड़ा से आप गुजर रहे होते हो, ये सोच के चलिए कि अगर वो सामने वाला आपके प्रति ऐसा कर रहा है और आप गुस्सा कर रहे हैं, तो आपने जिसके प्रति किया होगा तो उसको कितनी पीड़ा हुई होगी, वही पीड़ा आपको यहां झेलनी पड़ती है। बिल्कुल टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, कार्मिक प्रिंसिपल से किसी को रिहाई नहीं है, किसी को माफी नहीं है। तो इसके लिए इसको, इस प्रिंसिपल को याद रखें, और ऐसी कोई भी चीज है तो केवल एक ही चीज बनती है, वो है माफी। परमात्मा से माफी मांगे, उस व्यक्ति से माफी मांगे, बार बार माफी मांगे, क्लियर करने की कोशिश करें। अगर फिर भी वो माफ नहीं कर रहा, कम से कम आप जो हैं उस दुख से बाहर आना शुरू कर देंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। अगर आप माफी मांगते हैं, उस व्यक्ति से माफी मांगे, पॉसिबल हो तो, ना पॉसिबल हो तो यूनिवर्स से माफी मांगे और कुछ पॉजिटिव कर्मा करें, इससे आपका दुख का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, पूरी तरह से जीरो हो जाएगा, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। इसलिए अपने कर्म कीजिए, अपनी तरफ से माफी मांगिए और उस अकाउंट को आगे के लिए क्लोज कर दीजिए, यानी नए कर्म मत बनाइए, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वही का वही साइकिल रिपीट हो जाएगा। तो ये कार्मिक साइकिल से बाहर आने का तरीका है। दूसरा, अगर आप किसी पर्सन ने चूहे या सांप के छेद को बंद किया है, और या सांप को पकड़ लेता है या मछली पकड़ता है और दम घोटकर उसे मार देता है, किसी के प्राणी के जीवन को कलंकित करता है, तकलीफ देता है, तो उसे अस्थमा, फेफड़ों के रोग या ब्रोंकाइटिस, निमोनिया आदि सहन करना पड़ता है। ये हमने एक पर्सन के आया था जिसको अस्थमा था, और सीवियर अस्थमा। उसने कहा कि 5 साल की एज से लगभग वो अस्थमा को झेल रहा है। पहले नॉर्मल प्रॉब्लम थी, निमोनिया हुआ, फिर धीरे धीरे अस्थमा में कन्वर्ट हो गया। जब हमने पीछे जाकर देखा तो ऐसा हुआ था कि उसने जो है वो मतलब सांपों को पकड़ने का काम करता था, पिछले जन्म में, 3 4 जन्म पहले बिल को बंद कर देता था, बेचारे अंदर ही अंदर तड़प कर वो बिच्छू, वो सांप या चूहे इत्यादि अंदर ही अंदर मर जाते थे। तो आज ये उसी की सजा भुगत रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इलाज ना करवाया जाए, इलाज करवाया जाए, इसीलिए तो परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है, और नेचर का कितना खूबसूरत अरेंजमेंट है कि तकलीफ दी है तो उससे रिकवर करने का रास्ता भी बताया है, लेकिन कुछ हद तक तो वो पेन सहना ही पड़ेगा। इस पेन को से जितनी आसानी से आप जितनी जल्दी माफी मांग लें, उसके निष्कर्ष को समझ लें, तो आगे से आपकी तकलीफ जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन जीरो नहीं होती। इसी तरह से जो जहरीले उपकरणों के माध्यम से दूसरे को मारता है या घायल करता है, किसी भी जहरीले उपकरणों से, तीर से, तलवार से या कुछ ऐसा, तो बिच्छू या सांप के डंक के कारण पीड़ित होता है, या वो व्यक्ति खुद आके मारेगा या सांप या बिच्छू के डंक के कारण उसको पीड़ा दी जाती है, ऐसा केस हमारे पास आ चुका है। तो और भी बहुत सारे ऐसा केस आया, एक पर्सन के बारे में आया कि वो वॉरियर था पिछले जन्म में और बहुत लोगों को मारता था। अब वॉरियर का तो काम है मारना, आप बोलेंगे, लेकिन वॉरियर में भी एक होता है कि किसी ने आप पर अटैक किया और एक आप किसी पर अटैक करते हैं, तो इसकी दूसरी कैटेगरी थी, जाना और लोगों पर अटैक करना और मारना उनको। तो उसके कारण जो उसको सजा भुगतनी पड़ी इस जीवन में, उसको लगता है कि लोग उस पर तलवारों से वार कर रहे हैं, मार रहे हैं, बुरी तरह से उसका टॉर्चर किया जा रहा है, वो उसको सहना पड़ता है और बार बार बिच्छू और कीड़ों से प्रताड़ित होता रहता है, बार बार होता है ऐसा, एक बार नहीं कई बार होता है।
अब तुझे क्यों काटते हैं भाई कीड़े, ये बात सोचने की बात है, लेकिन है तो है, अब तकलीफ है तो कोई ना कोई कारण रहा होगा, तो कारण जरूर पीछे समझेंगे तो आप भी आगे से इस चीज से रिकवर कर पाएंगे, समझ से ही आप आगे से छुटकारा पा सकते हैं। इसी तरह से दूसरों पर अत्याचार करता है, उन्हें अत्यधिक घमंड और गर्व के साथ दास बना कर रखता है, गुलाम बना कर रखता है। हमने देखा, आपने ये बीमारी का नाम सुना होगा, एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस का मतलब होता है एलिफेंट की तरह हाथ या पैरों का फूल जाना, मतलब पूरे एलिफेंट की तरह से जो है हाथी की तरह से पैर या हाथ फूल जाते हैं। तो ये कब होता है, हमारे पास एक केस आया था जब हमने उसका पता किया, तो हमने देखा कि पिछले जन्म में उसने किसी को गुलाम बनाकर रखा हुआ था, किसी व्यक्ति को गुलाम बनाकर रखा हुआ था। वो व्यक्ति अपने घर जाने के लिए इसके आगे भीख मांगता था कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे अपने घर वालों के पास जाने दो। इसके पैर पकड़ता था, लेकिन इसके मतलब ये उसकी तरफ देखता भी नहीं था, अपने काम में मगन है, उसको दास बनाकर गुलाम बनाकर रखा हुआ है। तो वो जो पैर पकड़ता था, बार बार उसके आगे झुकता था, गुलामी जो उसने गुलामी सही, तो उस व्यक्ति की बद्दुआएं जो हैं इस पर एलिफेंटियासिस बन के इस बार उभरी हैं, और इस व्यक्ति के पैर इतने मोटे मोटे हो गए जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। सोचिए कितना दुख है, कितनी पीड़ा है। आज के टाइम में कोई आसान नहीं है बीमारियां झेलना, लेकिन वो जो दर्द उस व्यक्ति ने सहा उस समय में, जो जिस व्यक्ति को उसने अपने अंदर दास बनाकर रखा, जो दर्द उसने सहा, क्या उसको, क्या उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा? जरूर भुगतना पड़ेगा, डेफिनेटली भुगतना पड़ेगा। आप भी अगर ऐसी किसी, आपको ये मूवी की तरह से दिखाया जाए ना, तो आपका मन भी गुस्से से भर जाएगा, आप कहेंगे इस व्यक्ति को कड़े से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कुदरत वैसा ही करती है, क्योंकि वो कुदरत कोई और नहीं है, आपके भीतर जो ये चैतन्य बैठा हुआ है, यही कुदरत का रूप है, यही सजा डिसाइड होती है, आपसे ही डिसाइड होती है। इसी तरह से एक कंजूस और साहूकार व्यक्ति जो अपने किराएदारों पर किरा अपने कर्जदारों को ज्यादा कर्ज जो है ना, लंबे चौड़े ब्याज पर कर्ज देता है, असामान्य ब्याज लेता है, असाधारण ब्याज लेता है। हमने लोगों को 20-20%, मतलब 20-20% महीने का ब्याज लेते हुए देखा, पिछले जन्म में भी देखा, और शायद इस जन्म में भी लेने वाले लेते होंगे, मुझे नहीं पता। उपभोग से इसके कारण मतलब पीड़ा देता है उनको ब्याज, उस किसी की मजबूरी है, किसी का मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, तो मजबूरी का फायदा उठाया, तकलीफ दी, जो उस पीड़ा उस बंदे को सहनी पड़ी, उसके कारण जो है तपेदिक की बीमारी यानी टीबी की बीमारी होती है, ट्यूबरक्लोसिस जैसे कहते हैं, वो बीमारी सहनी पड़ती है। फेफड़े जो है ना पूरी तरह से अंदर से बुरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, टीबी की बीमारी के भी आप जानते हैं, क्षय होना चले जाते हैं, वो डैमेज होते चले जाते हैं। अब इसके पीछे कारण है कि किसी तरीके से किसी को हमने कर्ज पर ब्याज दिया था, तो आगे से इस चीज की समझ विकसित करें कि मेरी कोई गलती है, माफी मांगें। देखिए, एक जेन्युइन ब्याज जेन्युइन चीज होती है, आप भी जानते हैं, सामने वाले की मजबूरी को ना फायदा ना उठाते हुए एक जेन्युइन जो मार्केट रेट है उस पर अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, तो मेरे ख्याल से इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई भी चीज किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसको 10% 20% जो हम करते हैं, तो बी केयरफुल, याद रखिएगा, सहना तो पड़ेगा, इससे किसी को भी रिकवरी नहीं है। ऐसे ही वेश्याओं के साथ भोग करता है, व्यभिचार करता है, अशुद्ध जीवन व्यतीत करता है, तो लेप्रसी यानी कुष्ठ रोग हो जाता है। कुष्ठ रोग के बारे में हमने सिर्फ पूछा था, हमें हमारे सामने कोई केस नहीं आया, लेकिन एक जनरल इंस्ट्रक्शन मिली थी कि जो भी लोग इस तरह से किसी की, क्योंकि किसी भी अगर प्रोस्टिट्यूशन के भी कर रहे हैं, तो आप ये मत समझिए कि वो तो अपनी मर्जी से कर रही है या ऐसा कोई अगर सोचता है, तो आप जा रहे हैं, आपके लिए तकलीफ दे होगी वो चीज, याद रखिएगा। और लोग नहीं जा रहे, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वेश्या है अपने घर रहे, आपको उससे क्या लेना देना, अगर आप इस मोल होते हैं। और याद रखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी ऐसा ही परिणाम होता है, ये मत समझिएगा कि आप उससे बच जाएंगे, कहीं पर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होता है तो भी उसका भी परिणाम भयंकर होता है। तो कहीं कोई माफी नहीं है कुदरत के यहां पर। अशुद्ध जीवन, जहां पर भी अशुद्धि है, जो शास्त्र उचित जो मर्यादा है उस मर्यादा में रहिए ना,
उस मर्यादा में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मर्यादा से बाहर हर चीज़ के लिए बंधन है, हर चीज़ की सज़ा है। बी केयरफुल। तो कुदरत के इन नियमों से किसी को माफ़ी नहीं है, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। कोई ये कहे कि मैं, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री का बेटा हूं तो मुझे इस बात के लिए माफ़ी दे दी जाए, आप माफ़ कर देंगे क्या? प्रधानमंत्री का बेटा हो, मतलब देश के बड़ी से बड़ी ऊंची पोस्ट पर बैठा हो, वो आपको तकलीफ दे जाए, आपका अपमान कर जाए, आपको बीमारी दे जाए, तो आपको कोई आपको किसी भी तरीके से प्रताड़ित करे, तो क्या आप उसे माफ कर देंगे? ये सोचकर कि वो आज राजा का बेटा है, आप उसे माफ कर देंगे? नहीं करता, कोई नहीं माफ करता। इसलिए सजा हर चीज की है, भुगतनी पड़ती है। इसलिए अगर आप भगवान की शरण में भी चले जाएं एक समय के बाद, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं इस बात को, लोग कहते हैं मैं इस जीवन में ज्यादा मेडिटेशन कर लूं या इस जीवन में मैं कोई भी बुरा कर्म ना करूं तो क्या भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे माफ कर देंगे? सॉरी, ऐसी कोई माफी नहीं है, ऐसी कोई माफी नहीं है। सजा अपनी जगह पर और आगे के लिए आप शरण में चले गए हैं, उस कमी कर दी जाएगी, तकलीफ कम हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, ज्यादा सहायता अवेलेबल हो जाएगी, इतना किया जा सकता है। लेकिन आप कहें कि कर्म पूरा कट जाएगा, नो, नॉट पॉसिबल। कुदरत के यहां ऐसा कोई विधान नहीं है, सबको झेलना पड़ता है। ऐसे ही जो पाखंड करते हैं लोग, अच्छाई और सदाचार की आड़ में लोगों पर अत्याचार करते हैं, जो पाखंड करते हैं, दिखाते कुछ और हैं, अंदर कुछ और होते हैं, छोटे बच्चों से बुरा व्यवहार करते हैं और कठोरता से पेश आते हैं, इनमें से कोई भी कर्म किया होगा, पाखंड मतलब दिखाना कुछ और अंदर कुछ और, तो कुदरत क्या करती है? स्किन की बीमारी देती है, क्योंकि स्किन हमारा बाहरी बाहरी आवरण है। तो आवरण कैसा? आवरण को तकलीफ देती, क्योंकि आपने बाहर पाखंड किया है ना, अंदर कुछ और थे लेकिन बाहर आपने कुछ पॉजिटिव दिखाया, तो बुरी तरह से खुजली या त्वचा रोग होते हैं। तो त्वचा मतलब स्किन, जो लोगों को दिखाई पड़ रही है, आप अंदर क्या हैं और बाहर क्या हैं, इन दोनों के बीच में जो आवरण है वो स्किन है। तो स्किन की बीमारियां आती हैं जब आप पाखंड करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं इससे आपकी बहुत सारी चीजों के आंसर मिले होंगे, और भी बहुत सारी तकलीफें आपके साथ हो सकती हैं, इनको आप नीचे कमेंट बॉक्स में मत डालिएगा, आप जो भी हो उसको ईमेल करिएगा, क्योंकि ये सारी बातें कमेंट बॉक्स में देखकर एकदम से रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें पीछे जाना पड़ता है और उसमें बहुत समय लगता है, एक एक पर्सन के लिए पीछे जाकर देखने में एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ के पीछे हिस्ट्री चेक करनी पड़ती है, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, रिकवरी क्या है, निदान क्या है, क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपका आप हमें लिख सकते हैं, जो भी आपको हो तो आप अपनी बात पूछ सकते हैं, आपको जरूर हम रिप्लाई करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और मैं इस पर और आगे वीडियो और ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनकर मैं और वीडियो भी इस टॉपिक पर बनाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।